Hello, sir. I'm Pala Klaelka from Khargar. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, like, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like, when we do idol worship, it's when we see, we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that, when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know any what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुद्ध परस्ती करती है मूर्ति पूजा करती है तो मूर्ति का फोटोग्राफ वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है बहन आपके हिंदू धर्म में किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और मैं कई बार कह चुका हूं फिर से दोहराता हूं क्या लिखा है श्वेता श्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पिक्चर नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई बुद्ध नहीं कोई मूर्ति नहीं लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पर लिखा है मूर्ति पूजा गलत है फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है क्यों करते आप मूर्ति पूजा तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं मानते हैं गलत है लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पहले पहले शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है हायर लेवल पे हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं तो मैं उनसे कहता हूं उन पंडितों से और आपसे भी हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए हमें मूर्ति की जरूरत नहीं मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है बाद में नहीं जब आप स्कूल में जाते हैं पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते कठिन चीज बाद में सीखते आठवीं नौवीं दसवीं में तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5 आपने कहेंगे गलत है मैं जानता हूं दसवीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5 = 4 आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 = 4 इज द फाउंडेशन अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है फोटोग्राफ नहीं है बुत नहीं है फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरा बहस होता है गुफ्तगू होती है वो जवाब ही नहीं दे सकते वो कहते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है लेकिन फिर भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुद्ध की हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए और ये साफ तौर पर लिखा है सारी मजहबी किताबों में चाहे हिंदू मजहब की किताब हो ईसाई मजहब की यहूदी मजहब की इस्लाम मजहब की मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए हमें खुदा की कलाम पे खुदा के कलाम पे खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए ये दीन के ठेकेदारों के नहीं अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है जाकिर को भी छोड़ो जाकिर इस्लाम में जीरो है अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है जो आखिरी पैगंबर से मिलती है इसीलिए मैं हवाला देता हूं चैप्टर नंबर वर्स नंबर इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं आप चेक करो और जाके तहकीक करो संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन आप मानते हैं कि बुद्ध परस्ती गलत है अभी सर आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड माशाल्लाह आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ इट So honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and when Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship, yes, sister, sir. I don't want you to be very religious. At least be a little religious. So, and the
basics of religion is that idol worship is haram, idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship. Which verse? Sir, I would like to say the reason I believe in idol worship. It is, when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing he mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teaching of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it. Read the translation of Bhagavad Gita and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Thank you. Hope that answers the question. Islam mein har guna maaf hai, lekin shirk ki maafi kyun nahi hai? Agar insaan qatl karta hai, usse maafi hai. Zina karta hai, usse maafi hai. Lekin shirk ki maafi kyun nahi hai? Bhai sahab ka sawal hai ki Islam mein sare guna ki maafi hai, shirk ki nahi. Qatl karta hai, maafi hai. Zina karta hai, maafi hai. Shirk ki maafi kyun nahi? Aap Quran Majeed ke bare mein zikr kar rahe, jo Surah Nisa mein hai. Surah number 4, ayat number 48 aur ayat number 116. In do ayaton mein Surah Nisa, Surah number 4 ke likha hai ki agar Allah chahe to koi bhi guna ko maaf kar sakta hai, lekin shirk ko kabhi nahi maaf karega, kyunki jo shirk kiya hai wo bahut bhatak chuka hai. To isme ye nahi likha hai ki ab zina karenge to maaf karega hi, kar sakta hai agar aap toba karenge to. اگر آپ توبہ کرتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ معاف کریں گا. اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے. آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں. اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسو بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے. اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرے گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین. میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسانوں غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین، میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین. تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر آپ کس کے زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان
को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गाली देंगे उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बेखा हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप वो गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते भाई साहब? जी। मानते कि नहीं? जी। मानते हैं कि नहीं? जी। मानते हैं? जी। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखे है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदितियम, खुदा एक है उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है सेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है सेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे तो आप चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं, चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कर, हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के पास बटन दबाओ मिलेगा आपको, किधर निकला है मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, आठवीं नौवीं दसवीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2+2=5, आपने कहेंगे गलत है मैं जानता हूं, दसवीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2+2=5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2+2=4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत स्वीकार है तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरा बहस होता है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो कहते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है,
सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा की कलाम पे, खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में जीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकी करो, संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुध परस्ती गलत है अभी? सर आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड। माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ इट। So honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita. किताब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप किसके जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गाली देंगे उस खालिक को, गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकाम पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बेखा हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप वो गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते भाई साहब? जी। मानते कि नहीं? जी। मानते हैं कि नहीं? जी मानते हैं। जी क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आपके हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखे है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदितियम, खुदा एक है उसके अलावा कोई नहीं है, लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्रा नंबर 9, नाचस्य कसि जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं, लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्रा नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्रा नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। तो हेलो सर, आई एम पालक लॉयल का फ्रॉम नैन खारगर, आई एम अ स्टूडेंट। I just wanted to say something about the person who said, like, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like, when we do idol worship, it's when we see, we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that related to the first person who asked you to, like, he doesn't know any what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुद्ध परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो मूर्ति का फोटोग्राफ, वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, क्या लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4
मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पर लिखा है मूर्ति पूजा कराते, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, पहले पहले शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं उन पंडित, व्हेन भगवद गीता डज इट से दैट यू हैव टू डू आइडल वर्शिप, सिस्टर आई डोंट वांट यू टू बी वेरी रिलीजियस, एटलीस्ट बी लिटिल रिलीजियस, एंड द बेसिक्स ऑफ रिलीजन इज दैट आइडल वर्शिप इज हराम, आइडल वर्शिप इज फॉरबिडन। आई एम आस्किंग यू वेयर विच चैप्टर विच वर्स ऑफ भगवद गीता टेल्स यू दैट यू हैव टू डू आइडल वर्शिप, विच वर्स? सर आई वुड लाइक टू से द रीजन आई believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply, sister. If you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing he mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true god or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation, and if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Thank you. Hope that answers the question. Executive, mera aapse ek sawal hai. इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो सूरह निसा में है, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरा नंबर 4 के लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं, क्या मैं अगले बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं।
अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते। इसके बाद